आज जो जजमेंट आया डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन पे, एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है, जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के जो अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। आज आप सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया जिससे आपको एक खुशी मिली होगी, आपको क्या करना है इसको लेकर, ये आप क्या होने वाला आगे? आगे जो जजमेंट आया है इसके जो रिपिकेशन से काफी लार्ज लेवल पे जाएंगे, जो जिस तरीके की वर्डिक्ट आई है, जिस तरीके का डिस्क्लोजर के लिए डायरेक्शन दिया है एसबीआई को, खासतौर से 2019 और 2024 के बीच में जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से परचेजिंग हुई है उस परचेजिंग को इलेक्शन कमीशन के सामने डिस्क्लोज करने के लिए डायरेक्शन दिया है और इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दिया है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे विद इन अ वीक आप पब्लिश करेंगे। अब इंग्लिश में, टुडे सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इलेक्टोरल स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? इज अ वेरी हिस्टोरिकल वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन वोटर्स, एंड दे सेट असाइड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिकॉज दे आर वायलेटेड द फंडामेंटल राइट, राइट टू नो। People have a fundamental right to know who is voting the political party. But this scheme is completely. I am saying this scheme is completely secret and without proper information and without disclosing the name and without any disclosures, you can in this scheme company are funded the political party. So on the basis of funding, they are also taking the kickback because everyone knows something you are giving and they are on the basis of they are taking something. हाँ सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, आप पिटीशनर थे? देखिए, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था ये और इसने एक ट्रांसपेरेंसी हमारे इलेक्टोरल फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग में इंट्रोड्यूस किया। पिछले 6 साल से ये स्कीम चल रही थी जिसके तहत जो फंडिंग हो रही थी पॉलिटिकल पार्टी की वो एक तरह से सीक्रेटिव फंडिंग हो रही थी, तो वो अब खत्म हो गई है। जजमेंट इमीडिएटली ऑपरेशनल हो गया है, तो आज की डेट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड अनकैश्ड है उनको रिटर्न करना होगा। और अब जो लिमिट भी थी, एक कॉरपोरेट लिमिट होती थी 2017 तक 7.5% अपने प्रॉफिट से ऊपर कोई कंपनी डोनेट नहीं कर सकती थी, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जो अमेंडमेंट थे उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया था। तो कोई भी, चाहे लॉस मेकिंग कंपनी हो, घाटे वाली कंपनी हो, मुनाफे वाली कंपनी हो, सारे डोनेट कर सकते थे, तो वो भी हट गया है। अब तो अब सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और अपने 7.5% तक के प्रॉफिट को ही डोनेट कर सकते हैं। कैन यू टेल मी द क्रक्स ऑफ द टुडेस जजमेंट? द क्रक्स ऑफ द टुडेस जजमेंट इज दैट द पब्लिक हैज अ राइट टू नो एंड इन अ डेमोक्रेसी, इन अ फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट हैव अ मैकेनिज्म ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग वेयर द पब्लिक विल नॉट गेट टू नो हु इज फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। दैट इज रियली द कोर ऑफ द जजमेंट। What will be the impact of this judgment? Because election is upcoming nowadays. See, electoral impact, I am no one to predict what will be the impact. All I can say is that this matter had been pending for 6 years and it's never too late to have a decision like this. So I am really happy that finally the court has heard and decided it. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।